फोड़ रहे थे, वो नहीं होता है चक्री, मतलब गोल गोल घूमता है चक्री, वो उनके हाथ में फूट गया, ये पूरा जल गया, ये पूरा मतलब पूरा ही पूरा जल गया है। आएंगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। फिर मेरी बिटिया रानी का पूरा पैर जल गया है, इतना ज़्यादा पैर जल गया है, बहुत रो रही थी 2-3 घंटा, बहुत रोई पूरा एकदम से। फिर रात में गए उसके पापा, दवाई लेके आए उसको, दवा लाने के बाद से फिर भी बहुत रो रही थी। दवा से जलता है तो बहुत तेज़ दर्द करता है ना, तो जल्दी आराम नहीं होता है दवा से, तो इसके लिए जल्दी आराम ही नहीं होता है। क्योंकि अब हम लोग, अब मेरे बाबू का भी क्या, ये मेरा बेटा खेल रहा है, इसका भी ये जो कान है ना, कान में मतलब कुछ हो गया है, कान बहुत दर्द कर रहा है इसका। और फिर कान में से मतलब मैं थोड़ा सा साफ़ कर दी तो खून भी निकल गया है कान में से। तो अभी इसके पापा कहीं गए हैं, आएंगे तो हम लोग जाएंगे दवा के लिए बाबू को। इस समय परेशानी परेशानी चल रहा है इसीलिए, है ना बेटा? बाबू लल्ला हाय बोल दो। लल्ला ये क्या है बेटा? ये देखिए थर्मस है, लेकिन इसमें गाना भी बजता है, ये है, इसमें है ब्लूटूथ, ये गाना भी बजता है। मेरा बेटा रो रहा है, मम्मा ले लिए तो, ओ ले 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 ले, मम्मा ले लिए तो रो रहा है राजा। हाँ क्यों रोता है राजा? इधर आओ, आओ 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 आओ। कल हम लोग दिवाली था, लेकिन मेरे घर खाना भी नहीं बना, हम लोग खाना भी नहीं बनाए क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं पटाखा की वजह से, पटाखा जला फूट गया इन लोग के, उनके हाथ में, इसलिए खाना ना भी नहीं बना। रात में 10-11 बजे, 11:30 रात में कुछ बनाया थोड़ा सा खाना, बना उना के बस थोड़ा थोड़ा खाना भी नहीं कोई खाया अच्छे से, थोड़ा थोड़ा खाना खाया गया। खाने के बाद से मतलब इस साल की दिवाली अच्छी नहीं थी कुछ भी। आशा करते हैं शायद अगले साल बहुत अच्छी रहेगी दिवाली। बाबू इधर देखो तो, एक बार हाय बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। अभी मेरी बिटिया रानी आएगी तो आप लोग से बताएगी कि मेरा पैर जल गया कैसे बोलती है, आएगी तो बताएगी आप लोगों से, ठीक है? अभी जाना है, देखिए कब से सुबह से गए हैं, इसके पापा अभी तक आए नहीं, सुबह से गए हैं, आएंगे तो हम लोग जाएंगे। बस खाना ना बना के ऐसे ही बस बैठे हैं, अभी जाना है, काम भी करना है पूरा। ठीक है, अपनी बिटिया को बुला के आप लोग को दिखाते हैं कि उसका पैर कैसा है, ठीक है? पहले देखें बाहर क्या कर रही है मेरी बिटिया रानी, बाहर ही खेल रही है वो, दिखाते हैं आप लोगों को, बाहर खेल रही है ना। वो परेशान कर रहे हैं बाबू मेरा, ऊपर आओ बाबू, नहीं मानोगे, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ बोल रहे हैं। ए भाई नहीं आओ तो, अपने बाबा के साथ मस्ती कर रहा है, अपने बाबा को चिढ़ा रहा है जो देखिए। अरे गिर मत जाना बेटा ऊपर से जी, तो मैं झूला लगाई हूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा इसमें बजे रहे, कम परेशान करें, इसलिए मैं झूला लगाई हूँ इसमें। बाबू लाला एप्पल खाएगा, एप्पल खाएगा, ये लो इधर देखो, करे बाबू एप्पल खाता है, करे काहे बाबा को परेशान कर रहे हो? हाँ तो क्या वो मार रहे थे, इधर आओ तो। नहीं तो गाइस देखिए अभी तक पूरा काम पड़ा हुआ है, मैं साड़ी पहनी थी कल का, साड़ी भी सोची कि फोल्ड करके रख दूँ। अभी मेरी साड़ी कैसी लग रही थी आप लोगों को? बनारसी साड़ी है, मैं एक वीडियो बनाई थी साड़ी के ऊपर, जो किसी ने पूछा था कि आप साड़ी कहाँ से ली हैं, तो ये साड़ी मुबारकपुर से लिए हैं। कोई पूछा था कि मतलब आप साड़ी कहाँ से ली हैं, जो मैं साड़ी वाला वीडियो बनाई थी उसमें कोई किसी ने पूछा था कि आप साड़ी कहाँ से ली हैं, तो मैं ये सारी साड़ी मुबारकपुर से ली हूँ, बनारसी, वहीं से ली हूँ, वहीं बनारसी साड़ी हम लोग की वहीं से आती है। इसका ब्लाउज कहाँ गया, ये इसका ब्लाउज है। ए बाबू थोड़ा देखो तो, बाबू को देखिए ये क्या कर रहा है, हाय बोलो बाबू, इधर देखो संस्कार, इधर देखो लाल कल्लू, एक बार हाय बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। सबसे शैतान बच्चा यही है, देख लीजिए, इसकी वजह से तो सब लोग जल गए बेचारे दोनों लोग। इधर देखो, नहीं देखोगे?
क्या देख बाबू क्या देख रहे? तो देखिए हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ, है ना सोना मोना? क्या हो रहा बेटा को? कान में दर्द हो रहा है? कान में दर्द हो रहा है को? ओक्का बोक्का तीन चलो कलैया लाची। हेलो बोल दो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। भाई नहीं, कल दिवाली था, क्या हुआ था बेटा? क्या हुआ था कल? कल पैर जल गया था ना बेटा का? दिखाए देखो मेरी बेटी, देखिए मेरी बेटी रानी का पैर जल गया। वो मैं बोली थी ना पहले, वो बोली कि दिखा दिखा, देखिए पहले दिखाई रही, मैं दिखाती हूँ कि इसका पैर बहुत ज़्यादा जल गया है। इसके पापा भी नहीं है घर पे, तो मार्केट गए तो उनका भी मैं दिखाती हूँ। इसका पैर बहुत ज़्यादा जल गया, अभी हम लोग मार्केट गए थे, मतलब बाबू का दवा लेने, आप लोग को बताए थे बाबू का दवा लेने गए थे, कान का, वो कान में मतलब इसका दर्द हो रहा था, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था तो कान में दर्द हो रहा था, तो हम लोग दवा लेने गए थे, दवा लेके आए हैं। थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी किए बच्चों के लिए, क्योंकि छठ पूजा आ रहा है ना, छठ पूजा में पहनने के लिए कपड़ा वगैरह चाहिए ना, तो वही दिखाते हैं आप लोग अपने बिटिया रानी का पैर। देख सकते हैं आप लोग गाइस, देखिए बहुत ज़्यादा जल गया, बेचारी का बहुत दर्द हो रहा था, बहुत हो रही थी। इधर देखो बेटा, क्यों मार रही हो उसको? अरे इधर भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, क्या कर? अरे सर लड़ा दिया का गुड़िया का? अरे कितना बदमाशी करते हो जी तुम, छोटे से हो इतना छोटा है, देखिए कितना मस्ती कर रहा है ये बेटा, उसको बड़ा मजा आ रहा है दीदी। अरे यार देखो कैसे मार रहा है तुमको, ओहो अरे बहुत ज्यादा मार दिया का बिटिया को मेरे, ओहो सोना फिर मार रहा है, डांट दो उसको। तुम भी एक बार मारी दो उसको, बहुत परेशान, तुम भी मार दो एक बार, तुम भी एक बार मार दो, बहुत परेशान कर तुमको, बेचारी बहुत शांत रहती है, बदमाशी भी नहीं करती है, नजादे उसको कुछ भी नहीं करती है। क्या बोल रही हो? अम्मा बाबू कह रहा है तुम्हारा बाबू है कि नहीं? बाबू का क्या नाम है बेटा? बाबू काट लेगा, काट लेगा, सही नहीं, छोटा सा नाटा सा है ना, बहुत मस्ती करता है जी। देखिए आप लोग देखिए अभी क्यों इसको मार देना, बहुत रुलाई आता है ना, मार दे का? अरे मत मारो, जान तो राजा बेटा है ना, बेटा किसका राजा बेटा है? मम्मी तुम्हारा राजा बेटा नहीं है? नहीं। क्यों? बाबू से प्यार नहीं करती हो? पहले ये बता, बाबू से प्यार नहीं करती हो? हमसे प्यार नहीं करती हो? ठीक है करती हो, तब एक पा दे दो, अबे देखिएगा पानी देख मांगने पता, एक पा दे दो। आज आप लोग को पता है मतलब पूरे इंडिया में फैला था कि आज सूर्य ग्रहण लगा है, तो आज ग्रहण लगा था तो हम लोग नहा हुआ कि फिर खाना ना बनाई, खाना ना बना के देखिए मैं चूड़ी पहनना भूल गई हूँ खाना बनाने के चक्कर में, तो मैं चूड़ी पहन लेती हूँ, चूड़ी मेरा नीचे है, मैं ऊपर आ गई, थोड़ा टाइम बाद जाके पहनूंगी, दिखाती हूँ बच्चों का कपड़ा लेके आई हूँ एक बार आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं, सस्ता सस्ता बस, सस्ता ही बच्चों का कपड़ा ऐसे बस ले लिया, ठंडी में कुछ तो चाहिए ना पहनने के लिए छठ पूजा में, तो बस ऐसे अपने बाबू के लिए लिया, बड़े बाबू के लिए, बड़ी बेटी के लिए लिया संस्कार के लिए, कैप वाला है ये।
शाम को तो ठंडी नहीं लगी, लेकिन सुबह में तो ठंडी लगी। ये तो भैया का है ना, संस्कार भैया का है ना। हाँ तुम्हारे लिए ये है बेटा, ये नहीं अच्छा लग रहा है क्या? क्यों वो अच्छा लगेगा? अरे बाप रे, ये इसको पसंद नहीं आ रहा है, वो उसको पसंद आ रहा है। और ये इसके लिए लिए हैं, बहनी के लिए, और ये सबसे छोटे बाबू के लिए, प्रांजल के लिए लिए हैं। देखिए ये अच्छा लग रहा है बेटा, है ना? ये इसका पैंट है और ये टोपी है बाबू के लिए, बाबू का है। और ये सॉक्स है तीनों बच्चों के लिए, तीन है, एक कहाँ है, एक इधर ही कहीं होगा, हाँ एक इधर है, तीनों के लिए तीन है। छठ के दिन पहनेंगे लोग, पहन के सुबह में घाट पे जाते हैं ना, घाट पे लोग जाएंगे तीनों जन। बाबू का है। और क्या खाई हो बेटा? नहाए आने में थोड़ा सा लेट हो गया, खाना वाना बनाने में भी, नहाने वहाने में लेट हो गया है। 4 बजे से 6 बजे तक ग्रहण था, वो भी खत्म हो गया है। अब मोजा पहनने जा रही हो तुम? ठीक है दोस्तों, फिर ब्लॉग में आज के लिए बस इतना ही। अभी बहुत अभी जा रही है मोजा पहनने, देख लीजिए थोड़ा। हाय बोल दो एक बार, गुड नाइट बोल दो, बोल दो हम सोने। अरे चोट लगा, कैसे पहनो ये मोजा? चोट लगा है ना, ओह अब नहीं पहन पाओगी ना? कैसे पहन पाओगी बेटा? कोको पहन लेते, ले मेरी गुड़िया, तुम तो मटकी बेटी हो, तुम कोयली हो। हमसे बोलना मत इसके पास, चुप, हमसे मत बोलना इसके पास, चुप एकदम। अरे बाप रे बाप, गुस्सा हो गई क्या? क्यों गुस्सा हो गई? हमसे बोलो, ओ बोल दी, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो, फ्लैंकी स्नेक क्लैपिंग कर दो। मैं पगली, इसको तो कुछ दिमाग में घुसता नहीं, बार बार भूल जाती है हर चीज ही। और ये जो है इसका दिमाग बहुत चलता है, छोटा सा है, छोटा सा छोटू सा। इसके कान में दर्द हुआ, डॉक्टर बोले कान में तेल मत डालिए, मैं इसमें तेल रोज डाल थी कान में, क्योंकि सर्दी हो गया था इसको, तो वो लहसुन और जवाइन का मतलब तेल खौला के मतलब दोनों टाइम डाल दी थी कान में, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि तेल नहीं डालना है कान में इसके लिए। आप ठंडी में तो बड़ा परेशानी रहेगा बच्चों को, ये करो वो करो, ये पहनाओ, जितना पहना दो उतना ही कम रहेगा। इधर देखो ना बेटा, इधर देखो, इधर देखो, तुम तो इतना मस्ती करते, तुम कुछ समझते ही नहीं हो बतिया। ठीक है गाइज, ओके बाय, आप गुड नाइट आज के लिए, बस अगले ब्लॉग में मिलते हैं बाद में, है ना बिटिया? बाय बोल दो, बाय, बाद में मिलते हैं ब्लॉग में, ओके बाय।